मथुरा में सुबह सुबह टहलने गए एक युवक का पैर फिसल गया और इसके चलते उसकी यमुना में डूबने से मौत हो गई। वही गोताखोरों द्वारा किए गए घंटों की मशक्कत के बाद मृतक के शव को यमुना से बाहर निकलवाया गया। सोनभद्र मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट के सौजन्य से बच्चों में स्कूल बैग का हुआ निःशुल्क वितरण। कोटा में ग्रामीण पुलिस द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 113 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। सोनभद्र में ग्राम बीडर दही में मानक की अनदेखी कर घटिया 200 मीटर सीसी रोड निर्माण के जांच की मांग। श्याम बिहारी, ये सड़क का निर्माण हो रहा है, क्या सही हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। क्या कमी है? अब देखिए, कमी जो है सामने देख रही है आप, तो ये है सामने, हम क्या कहें इसमें? मानक के हिसाब से नहीं बन रहा है। नहीं, क्या चाहते हैं आप? ऐसा बने, एक हिसाब से बने, किसी को सताया न जाए, किसी को घर कट जाए, मतलब लकड़ी काट दिया जाए, कभी किया जाए, अच्छी बात नहीं। हिंडौन में बीमा सलाहकार मदन मोहन भास्कर को भरतपुर में मिला सम्मान। भरतपुर में शतकवीर अभिकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन।